फार्मेसी छात्रों का हंगामा खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां के RIT कॉलेज के फार्मेसी छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। फैकल्टी सहित कई संसाधनों के अभाव से जूझ रहे छात्रों ने बुधवार की दोपहर जमकर उत्पात मचाया और उसके बाद कॉलेज में तालाबंदी कर दी। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर आर्थिक शोषण करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि महाविद्यालय में फैकल्टी, प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी का अभाव है, फिर भी प्रबंधन कॉलेज संचालित कर रहा है। आरोप है मोटी फीस वसूलने के बाद भी अगर छात्र शिकायत करते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। रीवा मध्य प्रदेश से विजय तिवारी की रिपोर्ट। जी क्या समस्या बताइए सर? ये समस्या, हमारी क्लासेस नहीं लग रही है प्रॉपर और हमारा बैग लग जाते तो घर पे प्रेशर किया जाता है क्यों बैग लग रहे हैं, क्योंकि हम 55,000 दे रहे हैं तो उसको तो हमें बेनिफिट्स मिलना चाहिए। और अदर एक्टिविटी के लिए भी देखा जाए तो इधर कोई भी कुछ भी नहीं है। लैब में जाओ तो सारी चीजें एक्सपायरी रहती है, तो हम लोग अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो फिर करने से मतलब क्या है? और हमें अगर कुछ करना है लाइफ में तो सर, हम लोग फार्मेसी डिपार्टमेंट का सर, हम लोग सर 3 साल से मार्क कर रहे हैं सर। हम लोग थर्ड सेमेस्टर के हैं, मतलब थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर के बच्चे इकट्ठा हैं यहाँ। हम लोग फैकल्टी के मार्क कर रहे हैं। पिछले अभी 2-3 महीने पहले अभी यहाँ के CEO से बात हुई थी, डीन से, उन्होंने बोला था आपकी समस्या 1 महीने के अंदर समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुई। यहाँ 3 फैकल्टी हैं, पूरे फार्मेसी डिपार्टमेंट में केवल 3 फैकल्टी हैं, ना यहाँ अटेंडेंस होती है, ना कोई यहाँ लाइब्रेरी में ना किताबें हैं। जो भी किताबें हैं तो वो 1990 के करीबन की है, पब्लिशर की है। और यहाँ लैबोरेटरीज में ना केमिकल्स हैं, ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हैं वो ओल्ड हैं या तो एक्सपायरेटरी हैं या वर्क नहीं करते हैं। और यहाँ हम लोग डायरेक्टर सर से बात किए तो उन्होंने बोला कि आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। हम लोग सर 3 साल से कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। किस ईयर में आपको? अभी हम थर्ड ईयर में हैं। थर्ड ईयर में कुछ है, अभी आप लोगों ने बात कर रहे थे, बता रहे थे कुछ झूमा झटकिया मार्केट की बात आती है। जी जी, हम लोग डायरेक्टर सर से अभी बोले सर फैकल्टी के लिए, तो यही बात वहाँ से हुई, तो सर अभी एक लड़के को मारने के लिए दौड़े, तो फिर उसके बाद बोले कि जाओ, हो गया। बीच में प्रिंसिपल सर आ गए तो उन्होंने रुकवा लिया था। कहा जाए तो मारपीट करने पे भी उतारू होते हैं जी, बदतमीजी में भी आ जाते हैं। डायरेक्टर सर और यहाँ के जो डीन है नीलेश चौबे सर, उनसे हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने बोला था तुम्हारे करके सीन। और कल परसों 4 दिन 5 दिन यही मांगते रहते हैं, हम 3 साल से 4 साल से दे रहे हैं। अगर कोई स्टैंड ले रहा है तो आप उसकी क्लासेस लगवाएं, आप उसके लिए कुछ करें नहीं, तो कल को हम किसी इंडस्ट्री या किसी फील्ड में जाएंगे तो हमें लात मार के निकाल दिया जाएगा कि हाँ तुम्हें नॉलेज क्या है। अगर हमें नॉलेज नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या लाइफ में? सिर्फ यहाँ 55,000 दे देंगे और ये नहीं समझ में आता हमारे पेरेंट्स 55,000 ला कहाँ से रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। कुछ मिसबिहेव की बात आती है। हाँ, मिसबिहेव, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनकी कन्वर्सेशन, अगर वो बोल रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारा फोन छीन लेंगे, हाथ वो करेंगे ऐसे, मतलब बदतमीजी में फिर कह देंगे हम डायरेक्टर ही नहीं है, हम छोड़ रहे हैं जॉब। अरे छोड़ो तो प्रॉब्लम है। तो ये कुछ कुल कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर? यहाँ अप्रोक्स होंगे 800-900। समस्या कब से चल रही है? स्टैंड नहीं ले रहा है। जब हम लोग स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए तो हमारे लिए कुछ किया जाए। कब से समस्या चल रही है? 3-4 साल से। आज धरने पे भी बैठी थी आप लोग? हाँ, हम लोग काफी टाइम, अभी मार्च में हम लोग बैठे थे। मार्च में तो पूरी क्लास थी और भी ज्यादा बच्चे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या कहा, हम 1 महीने में कर देंगे, लेकिन एक मतलब इतने महीने हो चुके नहीं। अभी हम लोगों ने बात की, अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर वालों का है, यही सीन चल रहा है कब से, तो हम लोग करें तो करें क्या भाई, इसकी शिकायत और कहीं की। और अगर फीस की बात किया जाए, अगर हम फीस कम्प्लीटली नहीं दे रहे तो इतना प्रेशर डालेंगे, अरे फीस दो फीस दो फीस दो, अरे फीस दे रहे हैं तो तुम क्लास लगवाओ ना। उच्च शिक्षा अधिकारी से कभी आप लोगों ने बात करी? हाँ, हम लोगों ने सबसे बात कर ली, सबसे ट्राई कर ली, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यही रिस्पॉन्स मिल रहा है कल परसों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाव्य है। फैकल्टीज की कमी, लैब में एक्सपायरी डेट, सामान, केमिकल्स वगैरह, उनका कहना है आरोप है कि आपने कहा कि बच्चों की समस्या चल रही है। दूसरा, फैकल्टी तो सभी संस्थाओं में फैकल्टी जाती और जाती रहती है, कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है।
दूसरा आपने बोला एक्सपायरी, तो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक्सपायर नहीं होती हैं, बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो एक्सपायर नहीं होते। और अभी हमने कुछ महीने पहले ही 17-18 हज़ार रुपये का सामान मंगाया, कुछ सामान भी मंगाया जिससे हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट रूप से चल रहे हैं। फैकल्टीज भी कमी है? फैकल्टीज की कमी हमारे RIT में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कमी है। बच्चों का कहना है कि रिकॉर्डेड 25 के आसपास हैं फैकल्टीज से। मैंने आपसे कहा ना कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे फार्मेसी में हम और इतने हमारे पास फैकल्टी के काम चल सकता है, रिकॉर्डेड वाली ये रजिस्टर वाली बातें नहीं हो सकती। छात्रों छात्र छात्राओं के द्वारा कॉलेज प्रबंधन में कुछ मिसबिहेव का भी आरोप लगाया गया है, क्या कितनी सच्चाई है? छात्र लोगों से मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि जो भी आपकी समस्या है उसको आराम से अपनी समस्याओं को डायरेक्टर सर के सामने पेश करें, मगर कुछ छात्र होते हैं, कुछ सभी छात्र नहीं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि मिसबिहेव करने लगते हैं, तो उनको भी हमने समझाया कि हम बोल रहे हैं। इन चार वर्षों में इनका कहना है कि चार वर्षों से यही लगातार समस्या है, तो क्या क्या कुछ इनकी समस्याओं को? ढाई वर्षों से तो मैं हूँ, ढाई वर्षों से मैं देखता रहा हूँ, जितने भी जो सामान खरीदना होता है मैंने सामान खरीदा है और प्रैक्टिकल में कुछ कराए हैं, हाँ, जो कि मतलब जिसे आप संतोषजनक कह सकते हैं। आपको कह रहे हैं कि आपकी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जब सुविधाएं उपलब्ध है तो बच्चों सामने क्यों आ रहे हैं क्लास के बाहर? बच्चे ही जाने, मैंने आज ही बच्चों से कहा जब बच्चे इकट्ठे हो जाते आने शुरू हो जाते तो इस तरह की हरकतें करते हैं, बच्चे खुद ही पढ़ना नहीं चाहते। आज ही मैं क्लास ले रहा था, बच्चे क्लास में सुट कर बच्चों का कहना है कि लगातार बैग भी लग रहा है। हाँ, सत्य बात है, लड़कों का बैग लग रहा है और इसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पर सुविधाएं नहीं है तो फिर ये बात आपसे कहा जब बच्चे ही पढ़ना नहीं चाहते तो बैग लगेगी लगेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेंद्र चौक से। कौन से पढ़ाते हैं? मैं फार्मेसी का प्रिंसिपल हूँ। फार्मेसी। इस खबर को देखने के लिए धन्यवाद। रीवा, मध्य प्रदेश की विभिन्न खबरों के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।